चलिए, तो वी था फुल एनर्जी। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एनर्जी विथ पूरा जोश एंड पूरा एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्क डन, वर्क डन कैसे क्या होता है, उस पर हमने बहुत सारा, उस पर हमने पीएचडी कर लिया था, उस पर हमने थ्योरी और हमने न्यूमेरिकल सारा क्वेश्चन एक साथ हमने किया था। चलिए, ठीक, पक्का ना। तो उस पर कंसेप्ट सबका हो गया है क्लियर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनर्जी। तो चलिए, सबसे पहले इसके बारे में इंट्रो, क्या होता है एनर्जी। तो हम लोग इसको करते हैं डिफाइन कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मेरे पास कुछ एनर्जी है, अगर मेरे पास कुछ एनर्जी है तो हम कुछ वर्क करने के कैपेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। जैसे मान लो कि एक कार है, क्या है, मान लो एक कार है। चलिए, बहुत अच्छा, हमने मान लिया एक कार है, सुंदर कार है। ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से ये सड़क पे दौड़ रहा था। ये कार जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड से सड़क पे दौड़ रहा था। तो क्या आप बोल सकते हो कि इस कार के पास कुछ एनर्जी था? बिल्कुल बोल सकते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि अगर कार मोशन में है तो आप बोल सकते हो कि कार के पास एनर्जी है। चलिए, अब मैंने बोला कि ये कोई एक इंसान है, लेट इसका हमने नाम दिया है सेलुमन भोई। इसका नाम है सेलुमन भोई। सेलुमन भोई इज अ कैरेक्टर, ही इज फैन ऑफ सलमान भाई, ठीक है। तो इसका नाम है सेलुमन भोई। तो सेलुमन भोई रास्ते में ईयरफोन लगा के चल रहा था और पीछे से आ रहा है कार, पीछे से आ रहा है कार, और कार के पास है एनर्जी, कार के पास है एनर्जी, वेरी गुड। अब बताओ कि अगर इस कार ने सेलुमन भोई को धक्का मार दिया, अगर इस कार ने सेलुमन भाई को धक्का मार दिया, अब क्या होगा, ये जो सेलुमन भाई थे ये उड़ जाएंगे। क्या होगा, ये सेलुमन भाई उड़ जाएंगे। अब बताओ कि अगर यहाँ कार ने सेलुमन भाई को धक्का मारा था, सेलुमन भाई उड़ गए, तो यहाँ पे कार ने कुछ वर्णन किया क्या? कार ने कुछ वर्णन किया, हाँ बिल्कुल किया। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही कार ने सेलुमन भाई को टच किया, कार ने उन पे फोर्स लगाया होगा, और क्या हुआ, उस फोर्स के चलते सेलुमन भाई डिस्प्लेस हो गए हैं, उड़ गए हैं। तो मतलब इस कार के फोर्स ने वर्क डन किया, मतलब वो कार के पास क्या था, कार के पास था पहले था एनर्जी, और उसने कुछ वर्क डन किया है। तो वही बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो है कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क डन, और वो जितना वर्क डन कर सकता है ना, उतना हम बोलते हैं कि उसमें एनर्जी है। सबको समझ में आया ना हमने क्यों ऐसा लिखा है डेफिनेशन की एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पक्का? चलिए देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्क। जो हमने अभी देखा कि अगर आपके पास क्या है, कुछ एनर्जी है, तो आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमने लिखा है एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ वर्क किए हो तो आप उस वर्क को एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। चलो, जैसे मान लीजिए कि ये सेलुमन भोई हैं, फिर से ये हैं सेलुमन भोई, ये रास्ते पे खड़े थे, ये रास्ते पे खड़े थे, ये मैं हूँ, ये मैं हूं, मैंने इनको एक लात मारा, मैंने सेलुमन भाई को एक लात मारा। अब क्या होगा, ये सेलुमन भाई सामने की तरफ क्या होंगे, ये सामने की तरफ, अरे उड़ जाएंगे ना। ये क्या हुआ, तो सेलुमन भाई में हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, अच्छा मैंने सेलुमन भाई को मारा तो सेलुमन भाई उड़ गए। अब क्या हुआ कि अगर सेलुमन भाई उड़ रहे हैं तो क्या उनके पास कुछ एनर्जी है, हाँ बिल्कुल है। वो कहाँ से आया, हमने उन पे फोर्स लगा के जो वर्क डन किया है उसके चलते उनमें क्या आ गया, उसके चलते उनमें आ गया है एनर्जी। मतलब यहाँ पे हमने चेंज किया है वर्क डन टू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब कि आप चेंज कर सकते हो एनर्जी को वर्क डन में भी, और वर्क डन कैन ऑल्सो भी चेंज इन द एनर्जी। पक्का ना? तो यही हमने यहाँ लिखा था। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ
एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क डन, तो फिर से जूल हो गया है। सी जी एस यूनिट इज अर्ग एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10^-7 अर्ग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बीच में क्या होता है रिलेशन। देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है अदर यूनिट ऑफ एनर्जी, तो अदर यूनिट में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इस चैप्टर में आपका एक यूनिट और आएगा, लेकिन वो हम लोग सीखेंगे पावर पढ़ने के बाद। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि एक और होता है इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 EV मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10^-19 जूल। 1 kilo EV तो हमने इसमें 1000 से कर दिया है मल्टीप्लाई, तो हमको मिल गया 1.6 × 10^-16 जूल। लास्ट हमने लिखा है 1 MeV, तो 1 EV में जब आप 10^7 से 10^6 से जब आप करते हो मल्टीप्लाई, तब आपको मिलता है 1 MeV, तो वो आ गया आपका 1.6 × 10^-13 जूल। तो ये आपका हुआ बेसिक बातें, बेसिक कुछ ऐसा डेफिनेशन वगैरह, और हमने कुछ सीखा अबाउट, बोलिए अबाउट एनर्जी। अब देखिए ये जो आपका एनर्जी है ये बहुत सारे टाइप का होता है, सबने सुना होगा, ये हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, और बोलो केमिकल, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और बोलो भाई, चलो बहुत सारा हो गया। मतलब ये सब हमने बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एनर्जी, लेकिन इस चैप्टर में आपको लिमिटेड टाइप पढ़ना है। इस टाइप में आपको सिर्फ पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है आपको, आपको अभी पढ़ना है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। और हम जब भी बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का, मतलब कि हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ओनली अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। देखियो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ME, या आपके आपके बुक में कहीं कहीं पे इसको TE भी मेंशन किया रहेगा। TE बोले तो टोटल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को ही वो टोटल एनर्जी भी बोल सकता है पक्का। अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KE लिखते हैं या ओनली K लिखते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में PE और U। तो कहीं पे आपको अगर U दिख जाए तो मतलब कि वो बात कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी का ही, K दिख जाए तो वो बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का ही, पक्का ना। चलिए तो सबसे पहले हम जा रहे हैं करने चर्चा ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमने लिखा है कि एनर्जी पोजेजेड बाई बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि बॉडी के मोशन के चलते, उसके मूव करने के चलते, बातें मेरी समझ में आ रही है ना, बॉडी के मोशन के चलते, मतलब कि वो जब दौड़ता है, वो जब चलता है, तो उसके चलते जो उसमें आता है एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड इसका जो वैल्यू होता है, जो इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, वो होता है 1/2 mv². तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 1/2 mv² से हम लोग करते हैं कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे एम होता है मास ऑफ द बॉडी, आप न्यूमेरिकल्स में हमेशा मास लेना केजी में, और वी होता है उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड, ओनली टेक वैल्यू, तो और वो आप लेना इन मीटर पर सेकंड में, तब आपको केई का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा जूल में, पक्का ना। ओके आप लोग इसको, इस बात को सब हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ और बातें लिखा, हमने लिखा कि वी नो के के इक्वल टू 1/2 mv², के बोले तो काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने ऊपर एम से किया है मल्टीप्लाई और नीचे भी किया है एम से मल्टीप्लाई, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ m² v² / 2m, देखो तो लिख सकते हैं ना, m से किया है मल्टीप्लाई, ऊपर भी m से किया मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान से देखो, तो मैं इसको और लिख सकता हूँ mv² / 2m, और देखो तो यहाँ पे है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम पी, कुछ याद आया, क्लास 9 में सबने सीखा होगा कि मास इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, तो एम भी हो गया पी, तो हमने यहाँ लिख दिया p² / 2m, मतलब कि काइनेटिक जो एनर्जी का एक फॉर्म और आ गया, कि वो क्या है, वो आपका आ गया p² / 2m, मतलब कि अगर कहीं पे आपको लीनियर मोमेंटम वगैरह मेंशन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पे p क्या है, बोलो p इज द लीनियर मोमेंटम, बोलो ना रे, वेरी गुड, तो ये हम लोग यूज करेंगे। चलो
हम लोग इसके और क्वेश्चंस का भी हम लोग बात करेंगे, वो हम करेंगे बाद में, पहले हम लोग थ्योरी कर लेते हैं। तो ये हमने कहानी किया अबाउट काइनेटिक एनर्जी, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कहानी करने अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ध्यान से सुनना कि हम जो भी बात करेंगे काइनेटिक का या पोटेंशियल का, वो अपना क्या है, वो है एनर्जी, तो उसका यूनिट आने वाला है जूल, ठीक है। तो उसमें कोई चाप नहीं है ऐसा कि तुम लोग सोचना कि इसका यूनिट क्या होगा, तो वो एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल ही होगा, किसी भी टाइप का हो, पक्का। चलो तो हमने इसका लिखा यहाँ पे डेफिनेशन कि एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन और कन्फिग्रेशन और पोजिशन इन स्पेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको डायग्राम दिखा के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो इसका मतलब, अच्छा लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था कि एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू या बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ना, मतलब वहाँ पे बॉडी को मूव करना चाहिए था, वहाँ पे बॉडी को मूव करना चाहिए था, तो उस टाइप के हम एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास कोई भी के ही नहीं होगा, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन ये अलग है, ये क्या है, ये होता है ड्यू टू ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो कि एक मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, सॉरी हमने यहाँ पे एक रॉड लिया है, मान लो कि ये पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स था, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने इसको घुमा दिया और यहाँ इस पॉइंट पे ला दिया, देखो इसको घुमा के हमने इस पॉइंट पे लाया और अब इसको हम छोड़ रहे हैं। अच्छा पहले सोचो कि हमने बस इसको यहाँ तक घुमा दिया है, यहाँ तक घुमा के, और घुमा के हम इसको अभी पकड़ के रखे हैं, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, हम इसको यहाँ पे रखे हैं पकड़ के, ये अभी होल्ड करके रखे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, पक्का ना। तो देखो क्या है कि ये मेरा रॉड अभी मोशन में नहीं है, लेकिन क्या इसके पास कोई अभी पे अभी इस वक्त उसके पास कोई एनर्जी है, सोचो जरा, वो रॉड, ये मेरा रॉड अभी मोशन में नहीं है, बस हम इसको यहाँ घुमा के यहाँ पे इसको हम पकड़ के रखे हैं, तो इस समय इसके पास कुछ मोशन नहीं हो रहा है ना, इसके पास मोशन नहीं है, मतलब कि इसके पास के ही तो नहीं होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन क्या इसके पास कोई और एनर्जी है क्या, सोचो जरा, है, बिल्कुल है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। हमने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि अगर मैं इस रॉड को अभी अगर छोड़ दूं तो क्या होगा, वो खुद से नीचे की तरफ फॉल करेगा, वो खुद से नीचे की तरफ फॉल करेगा, मतलब कि वो रॉड खुद से कुछ वर्क कर रहा है। तो अगर वो रॉड खुद से कुछ वर्क कर रहा है, मतलब कि उसके पास कुछ क्या था, उसके पास कुछ एनर्जी था पहले से, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज एनर्जी, मतलब कि उस रॉड ने खुद से वर्क डन किया है, मतलब कि उसके पास कुछ एनर्जी था, और ऐसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि एनर्जी के लिए बॉडी मोशन में रहे ऐसा जरूरी नहीं हो है, बॉडी के पोजीशन के चलते भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है। मैं इसका और भी आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल, पहले आपको ये समझ में आया ना, चलिए वेरी गुड, इसको कॉपी करो, फिर मैं और भी लेता हूँ एग्जाम्पल जहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखो हमने यहाँ पे फिर से कुछ कुछ ऐसी लिखी हैं बातें, देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी बहुत तरीके का होता है, बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में आपको मेनली पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, और आपको थोड़ा सा पढ़ना है, जस्ट आपको इसका पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों क्या होता है मैं आपको वो समझाऊंगा, लेकिन ये जो मेनली आपको पढ़ना है जीपी, देखो मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा जीपीई, जीपीई स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आपको थ्योरी भी करना है और इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी आएगा, लेकिन ये जो इलास्टिक वाला है इस पर खाली आपको बस थ्योरी जान लेना है, ठीक है। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए तो यहाँ पे हमने लिया है कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पोजेज कर रहा है, मतलब जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए तो सबसे पहला जो हमने देखिए ये लिया एग्जाम्पल, ये वाला डायग्राम जो हमने लिया है ना, ये देखो ये डायग्राम पे देखो, तो देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक ऐसा एक रूफ है और वहाँ पे हमने एक स्टोन रखा है, क्या रखा है हमने वहाँ पे स्टोन। अब मान लो कि हम इस अगर स्टोन को इधर से अगर हम हल्का सा भी पुश करें, क्या करें इसको हम अगर हल्का सा भी पुश करें तो क्या होगा, ये स्टोन नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये स्टोन नीचे फॉल कर जाएगा ना। अच्छा देखो अभी क्या था, अभी स्टोन वहाँ रेस्ट में था, उस
फ्लोर या जो भी रूफ था वहां पे क्या था, वहां पे स्टोन मेरा रेस्ट में है, लेकिन हमने अगर उसको थोड़ा तभी क्या किया, डिस्टर्ब किया था, क्या हो रहा है, वो खुद से नीचे आ क्या रहा है, वो खुद से नीचे आ रहा है, मतलब क्या, वो खुद से वर्क डन कर रहा है, मतलब कि जब वो रेस्ट में था तब भी क्या था, उसके पास कुछ एनर्जी था, और वो था एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उसके पोजिशन के चलते हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यही स्टोन अगर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे होता, कहाँ पे होता, अगर वो ग्राउंड पे होता तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, मतलब कि आप अगर उसको यहाँ से थोड़ा सा आप उसको धक्का भी मारो तो वो फिर वो मूव नहीं करता। मतलब क्या था, इसके पास क्या था कि ड्यू टू हाइट, देखो क्या था कि ड्यू टू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ड्यू टू द रीजन ऑफ हाइट, क्या था, इसके पास कुछ एनर्जी था, और वो था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो ड्यू टू हाइट जो होता है ना, ड्यू टू हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पक्का? ओके, देखो नेक्स्ट हमने लिया है एक स्प्रिंग। पक्का ना, ये सबने अपने लाइफ में ऐसा देखा होगा कि आप जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, आप जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि क्या हो रहा है कि स्प्रिंग मेरे पे अपोजिट डिरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सबको ऐसा फील हुआ है ना, मतलब कि इस केस में इस मैन ने कि अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, अगर वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अब मान लो कि हम अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दें तो क्या होगा, वो स्प्रिंग खुद से ऊपर आएगा। क्या आएगा, वो खुद से ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या कि जब हमने उसको कंप्रेस किया तो हमने क्या किया, हमने उसका पोजीशन चेंज किया है, हमने उसका ओरिएंटेशन चेंज किया है, हमने उस स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। तो क्या हुआ है, तो ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन उसके पास क्या हो गया, उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गया है, और उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग मेरा मोशन में नहीं है, हमने बस उसको कंप्रेस करके ऐसे रखा है। अभी ये देखो वो स्प्रिंग मेरा रेस्ट में है, स्प्रिंग मेरा रेस्ट में है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होता है स्ट्रेच स्टोर ना, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो स्टोन में जो था ड्यू टू हाइट, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली चलो हमने फिर से दिया एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे एक क्रेन है, और क्रेन के में क्या है कुछ ऐसा, देखो कि एक चेन से क्या है, एक चेन से हेवी बॉल अटैच है, क्या है, चेन से एक हेवी बॉल अटैच है। अब क्या होगा कि हम अगर चेन को कट कर दें तो क्या होगा, वो बॉल खुद से नीचे आएगा, बॉल क्या आएगा, खुद से नीचे आएगा, मतलब क्या है, उसके पास उस बॉल के पास कुछ एनर्जी था, और वो क्यों था, वो था ड्यू टू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसके पास भी क्या है, इस बॉल के पास, इसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखो तो हमने यहाँ लिया है एक बो, हाँ एक है ना तीर धनुष, वो एरो हमने यहाँ लिया है। देखो तो क्या है कि आप जब इस, देखो ये जो पार्ट है आपका इसका, ये क्या होता है, तो ये एक सिंपली एक स्ट्रिंग होता है ना, क्या होता है, सिंपली स्ट्रिंग। आप करते क्या हो कि आप पहले इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, फिर आप इसको छोड़ते हो, तो क्या होता है कि ये जो मेरा एरो था वो फ्लाई करता है। देखो क्यों करता है, आपने जब ना इस स्ट्रिंग को खींचा, आपने जब इस स्ट्रिंग को खींचा तो आपने उसका चेंज किया है ओरिएंटेशन, आपने उसका चेंज किया है ओरिएंटेशन, आपने उसका चेंज किया है कॉन्फ़िगरेशन, तो अब क्या होगा, अब उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया किसमें, उस स्ट्रिंग में, उस बो में, और इसको हम लोग फिर से बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पक्का ना, और तो देखो क्या था कि जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो उसमें कुछ ऐसा एनर्जी स्टोर हो गया है। अब क्या होता है कि अब आप जब लीव करते हो तो क्या होता है कि ये जो मेरा क्या था, ये जो मेरा स्ट्रिंग था, वो क्या होता है, वो पहले वापस अपने पहले वाले स्टेप में आता है। अच्छा ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तभी होता है जब आप उसको पहले वाले पोजीशन से, आप जब उसका कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन चेंज करते हो, मतलब कि इस पत्थर को हम जब यहाँ ग्राउंड से उठा के इस पॉइंट पे लेके गए थे तभी इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था। मतलब कि अगर ये पत्थर वापस इस ग्राउंड पे आ जाए तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। सिमिलरली हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, जब ये स्प्रिंग वापस अपने पहले वाले लेंथ में आ जाएगा तो फिर से उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो जैसे ही बॉडी आपका ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, तो क्या होगा, सिमिलरली कि जब आप बो को जब स्ट्रेच करते हो स्ट्रिंग को, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन जैसे ही कि आपने उसको छोड़ा, क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग था वो पहले वाले पोजिशन पर आ जाएगा, तो अब इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है।
लेकिन पहले पोटेंशियल एनर्जी था वो कहाँ गया, तो वो जाता है इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा कि वो चेंज करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कि बो के पास जो पी था वो चेंज हो गया इन द फॉर्म ऑफ के ई ऑफ द बोलिए एरो, इसलिए तुम्हारा एरो फ्लाई करता है। सिमिलरली मान लो कि मेरे पास एक ऐसा स्प्रिंग है ठीक है ना, और हमने इस पे एक ब्लॉक रख ऐसे एक एक कोई ब्लॉक रख दिया। अब क्या होगा कि ड्यू टू द वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, ये स्प्रिंग मेरा कंप्रेस होगा, मतलब क्या है स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही स्प्रिंग क्या होगा अपने पहले वाले फिर से कन्फिग्रेशन में आ गया, मतलब क्या कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या था यहाँ पे कुछ कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था, तो कहाँ गया तो हो जाएगा तुम्हारा के ई ऑफ द ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा ब्लॉक यहाँ से फ्लाई कर जाएगा, समझे ना। तो ये हमने आपको समझाने समझाया कि कुछ कैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी और वो कैसे आपका केई में चेंज होता है, पी आपका केई में चेंज होता है, केई आपका पी में भी चेंज हो सकता है, हम लोग आगे और इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी बॉडी के पास केई और पी एक साथ होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है बॉडी के पास केई और पी एक साथ हो सकता है। कब देखो इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि एक बॉल था और वो बॉल यहाँ पे कहीं हवा में था, हवा मान लो जिस मान लो ये पत्थर ही था मेरा, ये पत्थर को हमने यहाँ से धक्का मार के गिरा दिया। अब क्या होगा कि मान लो किसी टाइम पत्थर यहाँ पे था, किसी टाइम पत्थर यहाँ, अब क्या होगा देखो कि इस टाइम पे क्या है कि पत्थर का कुछ ग्राउंड से हाइट है, मतलब क्या होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इस समय क्या था मेरा पत्थर वो मूव भी कर रहा था, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो बॉडी के पास एक साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो भी हो सकता है, पक्का ना सबको आया समझ में ना। खाली के ई भी हो सकता है, खाली पी भी हो सकता है, मतलब ओनली के ई हो सकता है, ओनली पी हो सकता है, एंड के ई प्लस पी टुगेदर भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरा बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास पक्का के ई नहीं होगा, उसके पास पी हो सकता है, क्योंकि पी का पोटेंशियल एनर्जी का मोशन से कोई भी वास्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, पक्का। तो ये सब बातें आप लोग याद रखना। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलो तो आज हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग उसी पे करेंगे न्यूमेरिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे न्यूमेरिकल्स ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे चर्चा ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा करने से पहले, न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक आप और थ्योरी जान लो, उसके बाद हम लोग एक साथ उस पर अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ठीक है। तो आप सब हम लोग फिर हम इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए तो अपना नेक्स्ट थ्योरी वाला पार्ट है, उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी से ही है आपका रिलेटेड, इसलिए मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ये थ्योरम आप तब यूज करना ना, और आपके एग्जाम में इसका इसका मतलब कि स्टेटमेंट भी आता है, तो आप जो हमने लिखा है स्टेटमेंट नीचे आप ये भी ध्यान में रखना, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में तब यूज करना है ना जब आपको बॉडी का स्पीड पता हो, बॉडी का स्पीड पता हो और वर्क डन पूछे, तो आंख बंद करके आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी क्या हो कि ऐसा मेंशन रहे कि बॉडी का स्पीड इतना से 10 से 15 हो गया, या 15 से 20 हो गया, या 10 से मूव कर रहा था रेस्ट में आ गया, मतलब जब भी आपको ऐसा स्पीड वगैरह दिखे और वर्क डन पूछे, तो आप सिंपल यूज करना वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है ना। देखो ये थ्योरम है क्या, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाई नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेट वर्क डन बाई एनी फोर्स, नेट वर्क डन बाई एनी फोर्स ऑन अ बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने यहाँ यूज किया डेल्टा, डेल्टा इज साइन यूज फॉर चेंज। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने एक बॉडी लिया है उसका मास एम था, और उसका पहले का स्पीड था वी वन और बाद का स्पीड था वी टू। हम लोग मान के चले कि मेरा मास रहता है हमेशा कांस्टेंट ठीक है ना, और वो जब उसका स्पीड वी वन से वी टू हुआ है तो वो एस गया है सामने की तरफ। अब देखो इस थ्योरम का खास बात क्या है कि जब भी मेरे को वर्क डन पूछे ना, और मेरे को अगर केवल स्टार्टिंग का वेलोसिटी या स्पीड और फाइनल स्पीड मेरे को पता हो, तो अपने को कितना उसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम में हुआ है, कितना फोर्स लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आप यूज करना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जस्ट यूज करना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब कि हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाई नेट फोर्स। और आप इसको लिख सकते हो, तो यहाँ से हाफ एम हो गया है कॉमन, और यहाँ से आपका आ जाएगा वी वन वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर,
दिस इज द वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये। और ये आपका हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, पक्का ना? तो जब भी आपको इनिशियल और फाइनल स्पीड पता हो और वर्क डन पूछे तो आँख बंद करके वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने का, पक्का। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट्स में हम लिखते हैं बात, नोट्स में इंपॉर्टेंट बात देखो। सबसे पहले हमने लिखा, जैसे देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि अगर बॉडी का केई डिक्रीज करता है, बॉडी का केई करता है डिक्रीज, मतलब कि इफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का क्या हुआ है, बॉडी का डिक्रीज किया है एनर्जी, मतलब कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज नेगेटिव। देखो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि इफ फाइनल इज लेस देन इनिशियल तो ये आपका चेंज आने वाला है माइनस में, पक्का ना? मतलब वहां से आ जाएगा वर्क डन बाय नेट फोर्स इज नेगेटिव, पक्का। नेक्स्ट, इफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब कि अगर बॉडी का केई इंक्रीज किया है या बॉडी का एनर्जी इंक्रीज किया है तो हम लोग बोलेंगे कि उस पर वर्क डन क्या है, उस पर वर्क डन पॉजिटिव था, याद रहेगा ना? जल्दी से इसको, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स और देखो, मैं यहाँ से इस तरफ आता हूँ तो ध्यान देना मैं इस तरफ आ गया हूँ। पॉइंट नंबर थ्री देखो, अगर तुमको क्वेश्चन में मेंशन रहे कि बॉडी मेरा रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तब लेना वी वन इक्वल टू जीरो इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पक्का? ऐसा अगर तुमको मेंशन रहे कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका वी वन जीरो है, अगर तुमको मेंशन रहे क्वेश्चन में कि बॉडी फाइनली कम्स टू रेस्ट तब लेना वी टू इक्वल टू जीरो, पक्का? इफ बॉडी फाइनली कम्स टू रेस्ट, देखो ये आपका है टिप्स है क्वेश्चन बनाने के लिए। फिर से आप ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, मास लेना केजी में और वी वन वी टू लेना हमेशा मीटर पर सेकंड में, फिर आपका आंसर आएगा वर्क डन का जूल में, याद आया? पक्का जल्दी से सब लोग इसको कॉपी करो। अब हम लोग इस पर करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जल्दी। तो यहाँ पे हमने दो लिए हैं एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या है सब लोग इसको पढ़ो कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो हमने सबसे आसान क्वेश्चन लिया है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो मास कितना देखो, तो मास दिया है kg में ही, तो कोई तो अपने को इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है। और हमको स्पीड दिया है, भी दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो हमको इसको भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो मास पता है, भी पता है, स्पीड पता है, हमको फाइंड करना है ke, क्या फॉर्मूला है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, बस करो यूज, तो हाफ इंटू टू इंटू 15 का होल स्क्वायर, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 का होल स्क्वायर इज 225, तो यहाँ पे आ गया 225 जूल, हो गया, पक्का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, सबने सॉल्व किया? देखो चलो चेक करो आंसर। तो मास कितना है, देखो मास फिर से है 2 kg, इस बार देखो तो स्पीड क्या दिया, हमको स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, और हमने क्या बोला था कि जब भी आप भी आपको स्पीड दिया है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में। अब बताओ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, सबको याद है? बोलो, भूल गए ना? चलो देखो यहाँ पे है कि एक्स किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, इसमें आपको 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई, 5/18 से, मतलब जो भी आपको दिया रहेगा स्पीड इन केम पर आवर में उसको आप 5/18 से कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में, मतलब कि 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये स्पीड ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड, पक्का ना? तो के कितना हो जाएगा बोलो, के हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो मतलब हाफ मास कितना था 2, और कितना है भी 10 का होल स्क्वायर, देखो तो यहाँ से आ जाएगा 100 जूल, सबका आंसर आया था 100 जूल। चलो जिनका आया था अपना पीठ थपथपा लेना, और जिनका नहीं आया था उनका पीठ मैं थपथपा दूंगा, ओके। हाँ चलो आप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो ये सबके लिए होमवर्क है, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमको मास दिया है 500 ग्राम, तो इसको पहले चेंज कर लेना केजी में, 0.5 kg, और हमको स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, हमको फाइंड करना है के, बहुत ही आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आंसर है 100 जूल, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 16 जूल,
फाइंड इट्स स्पीड। देखिए तो यहाँ पे हमको मास दिया है और के दिया है, स्पीड पूछा है, सब फाइंड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे स्पीड आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, हमने उसका भी आंसर लिख दिया है। ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, बोलो सब लोग करो, प्रॉमिस करोगे ना? बिल्कुल खुद से ट्राई करना, ताकि तुम लोग का थोड़ा सा इस पे पकड़ इस टॉपिक पे भरे। तब तक मैं आगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो जब भी तुमको कहीं क्वेश्चन में ना रेशियो ऑफ के मेंशन रहे, क्या रहे मेंशन? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमने माना है कि एक बॉडी था, उसका मास था m1, उसका स्पीड था v1, तो हाँ, तो उसका कितना हुआ के, हाँ तो उसका कितना हुआ के, यही ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर। हमने फिर माना है कि एक और बॉडी है, उसका है मास m2 और उसका स्पीड है v2, हाँ तो उसका कितना हुआ के, तो उसका हमने लिखा है k2 से, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब मान लो कि हमको फाइंड करना है इनका रेशियो k1 बाई k2, तो क्या होगा? यही ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो जहाँ भी आपको के का रेशियो मेंशन हो, आप ऐसे क्वेश्चन को करना, ठीक है ना? देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 बाई m2 into v1 बाई v2 का होल स्क्वायर। पक्का समझ में आया ना? मतलब कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया है, बोलो? m1 उनके मास का रेशियो और उनके वेलोसिटी के रेशियो का है स्क्वायर, और हमने इसको कर दिया है मल्टीप्लाई। पक्का ना? ये जल्दी से आप लोग इसको नोट्स में लिख लो और इसको आप याद भी रखना, रेशियो का क्वेश्चन जब भी आए के का हम लोग ऐसे यूज करने वाले हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो आपका आया था आईसीएसई बोर्ड 2019 में, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी हैव द मासेज इन द रेशियो 5:1, मतलब उनके मास का रेशियो दिया है 5:1, ओके? एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो 125:9। देखिए क्या था यहाँ पे, क्या दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पे हम उनके के का रेशियो दिया है, और हमने क्या बोला कि जब भी आपको ऐसे के का रेशियो दिया रहे और मास और वेलोसिटी रहे मेंशन, तो जो हमने लास्ट सीखा है ना फॉर्मूला, हम लोग उसी से क्वेश्चन करेंगे। तो हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मतलब हमसे VA और VB का रेशियो पूछा है, वही पूछा है ना? पक्का? तो लास्ट जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं वो करते हैं अप्लाई। तो चलिए हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना आएगा, बोलो? मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी इंटू VA बाई VB का होल स्क्वायर, यही ना? पक्का? हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है VA बाई VB, पक्का? तो चलिए इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो तो क्या है क्वेश्चन में, वो दिया है कि उनका कितना के है, के का रेशियो है 125:9। देखो यहाँ पे 125:9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 125:9 इक्वल टू, देखो क्या बोला है कि उनके मास का रेशियो क्या है, 5:1, तो हमने इसको लिख दिया 5:1, तो यहाँ से हमको मिल गया है VA बाई VB का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इधर, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा VA बाई VB का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो 125:9 एंड यही ना, डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये आपका जो 5 था वो आ जाएगा इस तरफ। देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25:9। देखो तो ये आया है VA बाई VB का होल स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है VA बाई VB ना, तो देखिए तो मैं इसको 5:3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब क्या आएगा VA बाई VB इक्वल टू 5:3, और आप लिख सकते हो कि VA:VB इक्वल टू 5:3, दिस इज द आंसर। ये आपका होगा आंसर कि उनके वेलोसिटी का रेशियो कितना आ रहा है, 5:3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, समझ में आ रहा? तो जो लास्ट हमने फॉर्मूला बताया था उस पर आप ये बस आपको यहाँ पर पुट करना था, और थोड़ा सा आपको बस मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा ऐसा सॉल्व कर लेना था। पक्का ना? सबको ऐसा समझने, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन था अपना, वो आप पूछा गया है आईसीएसई 2018 में। सब लोग पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्वेश्चन क्या है कि नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑप्टेंड बाई द फॉर्मूला 2K/VA2, मतलब कि 2K/VA2 जिस चीज़ का भी फॉर्मूला होगा आपको उसका यूनिट बताना है, और हमको यहाँ बोला है कि K इज द काइनेटिक एनर्जी एंड V इज द वेलोसिटी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब लोग वीडियो को पॉज करो और काइनेटिक
काइनेटिक का जो हमने उसी का है ना बेसिक फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, वहीं से करो, वहीं से आपको ये आंसर मिलने वाला है। सब लोग जल्दी से पहुंच करो और देखो कि 2k बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल टू आ रहा है। आपको यूज करना है k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, पक्का जल्दी करो सब लोग बोलो। तो आंसर क्या है आप लोग का? अच्छा ठीक है, जो भी आया हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो देखो, तो वी नो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वाह बहुत अच्छा। देखो तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमको दिया है 2k बाई वी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 2k इक्वल टू एम इन टू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और देखो क्या मैं यहाँ पे 2k डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एम बोलो, हम तो लिख सकते हैं कि 2k बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एम, पक्का ना? आप ध्यान से देखो तो हमसे इसी का पूछा है, यूनिट किसका? 2k बाई वी स्क्वायर का। एंड 2k बाई वी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू मास, तो जो होगा यूनिट ऑफ मास वही तुमसे पूछा था। तो क्या होगा कि यूनिट ऑफ, तो क्या था कि नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। तो क्या होगा कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? केजी ना, क्योंकि मास का क्या होता है यूनिट? केजी होता है ना। तो यहाँ पे 2k बाई वी स्क्वायर क्या था? वो था मास के इक्वल टू, मतलब कि इसका यूनिट क्या होगा? केजी के इक्वल टू होगा। सबको समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन करने हैं? तो क्वेश्चन आपको बस करना है प्रैक्टिस, सब लोग अपने बुक से क्वेश्चन करना प्रैक्टिस। और आज मैं ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना? फिर देखो तो हमने अभी केई पे हमने हर तरह का क्वेश्चन नहीं किया है, हमने बस बेसिक क्वेश्चन ही कुछ किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन इस पर हम लोग और करेंगे और फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले आप पहले ये लेक्चर अच्छे से कर लेना, फिर आपको नेक्स्ट वाला और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर, बाय।